नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सविता फूड एंड फैशन में। आज हम आपको सूजी और बेसन की खस्ता गुजिया किस तरह से बनाई जाती है वो बताएंगे। अभी हाल ही में अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आने वाला है, तो इस त्यौहार में आप इतनी परफेक्ट गुजिया बनाइए। तो फ्रेंड्स, हमने लिया है 2 ग्लास मैदा। इसकी पपड़ी बनाने के लिए 2 ग्लास मैदा लिया है। इसमें हमने 1/2 चम्मच से भी कम नमक लिया है और 2 चम्मच घी गरम करके ऐड किया है इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये घी इसमें। इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ना ही फटेगी ना ही तेल सोखेगी, एक एक गुजिया खस्ता बनेगी और 100% परफेक्ट टेस्टी खस्ता गुजिया हम तैयार करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसको ये घी को इस तरह से मिक्स कर लीजिए और देखिए मुट्ठी से इसमें घी बराबर ऐड हो गया है। अब देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे और इसे 10 मिनट तक ढक के रख लेंगे। तब तक हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमने 1.5 ग्लास रवा लिया है और इसमें 1/2 चम्मच हमने घी लिया है। अब ये गरम हो रहा है, इसके बाद हम इसमें रवा ऐड करके इसको सेक लेंगे। इसके सुनहरा होते तक हम इसे भूनेंगे। याद रहे दोस्तों कि ये कच्चा ना रहे, इसे अच्छे से सेक लेंगे हम और इसे लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे। ज़्यादा हाई पावर पे इसे सेकेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसका टेस्ट बिगड़ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमने बेसन को भी ऐड किया है, इसको भी अच्छे तरह से भूनेंगे। इसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, इसे भी लो फ्लेम पे ही भूनेंगे क्योंकि इसका भी टेस्ट बरकरार रखने के लिए इसे हल्के आंच पे ही भूनना जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा घी और ऐड कर लेंगे। इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है इसकी, एकदम परफेक्ट भुना जा रहा है ये। देखो फ्रेंड्स, कितने अच्छे से भून रहे हैं और इसका कलर भी हल्के हल्का चेंज हो रहा है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो हमने बारीक कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। काजू, बादाम, पिस्ता ऐड किया है, आप अपने हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो डालिए। और 1 कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया है। अब इसमें चारोड़ी भी ऐड करेंगे, ये इसी में बेसन में ही उसको अच्छे से सेक लेंगे हम। अब इलायची और जायफल भी ऐड करेंगे क्योंकि हमने बेसन लिया है, तो इसमें थोड़ी सी जायफल का पाउडर भी इस्तेमाल करेंगे। अब ये रवा भी हमने इसमें मिक्स कर लिया है, पूरा एक कर लिया है। अब हमने इसमें अभी शक्कर ली है, जितना हमारा रवा है उतना ही हम शक्कर का पाउडर लेंगे और उसको पूरा मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखो गुजिया किस तरह से बनाते हैं। तो जो हमने डो तैयार किया है उसको फिर से एक बार मसल लेंगे और छोटी छोटी लोई बना के इसको बेलेंगे। और बेलते समय जो हमने पूरी बनाई है उसमें बिल्कुल भी लाइन ना आए, पूरी एक जैसे गोल बेली जाए, कहीं से भी मुड़े ना वो, नहीं तो वो टूट सकती है। अब ये साँचे को थोड़ा सा आटा लगा लिया है, अब इसमें हम ये जो मिश्रण बनाया है वो भर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी भी गुजिया तैयार करेंगे, इसे भी हम बेल लेंगे।
इसे भी हल्के हल्के हाथों से बेलना है फ्रेंड्स। जब हम पूरी बेलते हैं तो इसको ज़्यादा आटा नहीं लगाना है, सिर्फ साँचे को आटा लगाना है कि ताकि जब हम गुजिया निकालेंगे तो ये जल्दी से निकल जाए उसमें से। और इस तरह से हम इसमें अपना ये मिश्रण भर लेंगे। अब इसको किनारों से पानी लगाकर इसका ये बंद कर लेंगे और एक्स्ट्रा का डो हम बाहर निकाल लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये गुजिया तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की भी गुजिया तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स हमने बेसन इसमें ऐड किया है तो इसके कारण इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो गया है। ये बहुत ही यानी खोवे के जैसी बनी है। और इतनी खस्ता करण गुजिया बनी है कि आप इसे जब खाओगे तो एकदम मुंह में घुल जाएंगे। इस तरह से 100% खस्ता गुजिया बनी है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने सभी गुजिया बनाने हैं फ्रेंड्स। अब एक पैन में तेल गरम करने के लिए रखा है। अब इस ये गुजिया हम तल लेंगे इसे। और याद रहे कि तेल हमेशा गरम होने के बाद लो फ्लेम कर लेना है। उसके बाद धीरे धीरे ये गुजिया तल लेना है। गुजिया के ऊपर देखो फ्रेंड्स कितने अच्छे बबल्स आ रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कि परफेक्ट गुजिया बनी है। इसी तरह से हम बाकी की भी गुजिया तल कर रेडी कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप बताइए कि गुजिया किस तरह से बनी है तो कमेंट्स करके आप हमें बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई वीडियो।